रेलवे ने देश भर में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र के जरिए घोषणा की है कि मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोनिया के फैसले का स्वागत किया। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर मजदूरों का खर्च उठाने की बात कही। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में कहा कि मजदूरों के लौटने का खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करने की घोषणा माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है। कोटा से जैसे हम बच्चों को लाए, आगे भी शासन और कांग्रेस पार्टी मिलकर मजदूरों को वापस लाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर एवं नोडल अधिकारी रेलवे श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी खर्चा होगा मजदूरों के रेलवे के टिकट का, वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी, यानी कि राज्य सरकार उठाएगी। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि जो भी मजदूर हैं, जो घर जाना चाहते हैं, रेलवे के टिकट का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो उनका खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी।